Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you are all fine. Now I am your teacher, Miss Sumaira, and today's our subject is English literature. Dear student, now this is your English textbook, Oxford Modern English, Book 1. डियर स्टूडेंट, हमारा जो इस बुक में जो चैप्टर चल रहा है वो है अनवर ड्रीम्स, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है. और वो लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको इस बुक में बता रही हूँ, लेकिन काम जो है वो वर्कशीट में हुआ हुआ है. आप उसको देखते हुए कॉपी में अपना काम करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, ओपन द पेज नंबर 4. नाउ दिस इज़ द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज जो है वो बुक की आपकी ए है, और इसका पॉइंट कौन सा है? 3 पॉइंट है आपका. इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं जो इनकरेक्ट ऑर्डर में हैं, और उन सेंटेंसेस को हमने क्या करना है? करेक्ट ऑर्डर में हमें लिखना है, राइट? अब जैसे यहाँ पे आपको नंबर ए में आपका सेंटेंस है, अनवर इज क्लोजिंग हिज आइज, राइट? सेकंड बी जो है आपका, उसमें है आपका सेंटेंस, अनवर इज काउंटिंग एंट्स. सी, अनवर इज इन हिज गार्डन. एंड डी, अनवर इज ड्रीमिंग. ये 4 सेंटेंसेस हैं, लेकिन जब आपने स्टोरी पढ़ी थी, जब हमने स्टोरी रीड आउट की थी अनवर ड्रीम्स की, तो उसमें सबसे पहले उसने क्या किया था? जी, उसने सबसे पहले, मतलब वो कहाँ गया था सबसे पहले? सबसे पहले तो वो गार्डन में गया था. तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस हैं वो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑर्डर में हैं. अब हमें क्या करना है? इन सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में करना है. और वो हम क्या कैसे करेंगे? वो हम अपनी शीट पे जो हमारा वर्क है उसके साथ साथ हम करेंगे, ठीक है? ओके स्टूडेंट, अब अनवर ड्रीम वाला लेसन तो हमारा जो है वो एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है. जो शीट वर्क पे जब मैं आऊँगी तो मैं आपको उसका काम समझाऊँगी, लेकिन उसी के साथ पहले हम बुक में अपनी जो हमारा नया वर्क स्टार्ट होने जा रहा है वो हमारा क्या है? न्यू पोएम है हमारी, माई कैट. क्या नाम है हमारी पोएम का? माई कैट, यानी मेरी बिल्ली. ओके, अब पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा पोएम बताती हूँ, किस तरीके से हम पोएम को सिंग करते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है ना? एक लेसन की रीडिंग अलग होती है, और पोएम को हम किस तरीके से करेंगे. ओके नाउ डियर स्टूडेंट, आई हैव अ कैट, हिज नेम इज रिश, हिज फर इज वाइट एंड ही लाइक्स फिश, ही हंट्स एंड वॉक्स अबाउट माई हाउस, हिज ऑलवेज आउट टू कैच अ माउस, आई प्ले विद हिम एंड कीप हर हिम क्लीन, अ स्मार्टर कैट यू हैव नेवर सीन. जी, अब आपको देखें पिक्चर में एक कैट नज़र आ रही है, ठीक है ना? अब वो जो कैट है वो क्या खाती है शौक से? यस, उसने अपने मुंह में भी क्या लिया हुआ है? अपने फिश, ठीक है ना? उसने फिश को लाइक करती है, फिश खाती है. इसके अलावा वो क्या पकड़ती है जाके? माउस. उसको जहाँ पर भी चूहे नज़र आते हैं वो उनका फ़ौरन शिकार कर लेती है. और वो कैट जो है वो क्या है? उसके ब्यूटीफुल से फर हैं उसकी बॉडी पर, जो बाल होते हैं ना उनको हम कहते हैं फर. ओके, और वो बड़ी स्मार्टर यानी बहुत इंटेलिजेंट कैट है, ठीक? अब इससे रिलेटेड भी जो आपका काम है वर्कशीट पर वो मैंने बनाया हुआ है, तो चलें अब आप अपनी वर्कशीट ओपन कीजिए. ओके डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बुक में अनवर ड्रीम्स का जो लेसन था हमारा वो मैंने आपको बुक में एक्सप्लेन कर दिया था. अब देखें वही एक्सरसाइज जो है हमारी वो शीट में आ गई है. आप सबसे पहले न्यू पेज लेंगे, वहाँ पे हेडिंग डालेंगे इनकरेक्ट ऑर्डर. यही सेंटेंस जो बुक में थे मैं आपको एक दफ़ा रीड अप कर देती हूँ. नंबर ए, अनवर इज क्लोजिंग हिज आइज. नंबर बी, अनवर इज काउंटिंग एंट्स. नंबर सी, अनवर इज इन हिज गार्डन. एंड नंबर डी, अनवर इज इन ड्रीमिंग. ठीक है ना? ये तो इनकरेक्ट है. अब हम मैंने आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में किस तरीके से करके दिए, यहाँ पे देखें मेंशन किया है मैंने, जो सी वाला सेंटेंस है ना हमारा, ये अब हमारा सबसे ऊपर आएगा करेक्ट ऑर्डर में. अनवर इज इन हिज गार्डन, यानी सबसे पहले वो गार्डन में गया, फिर उसने क्या किया? अनवर इज काउंटिंग एंट्स, फिर उसने एंट्स काउंट करना शुरू की, ठीक है ना? देन ए वाला जो है वो आपका नंबर 3 पर आएगा सेंटेंस, अनवर इज क्लोजिंग हिज आइज, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली. एंड नंबर डी, अनवर इज ड्रीमिंग, और फिर उसने ख्वाब देखा, ठीक है ना? ये करेक्ट ऑर्डर में आपका काम हो जाएगा इसी तरीके से, जैसे आपने टीचर ने जैसे आपको करके दिया, आप लोग भी इसी तरीके से ऊपर नीचे करेंगे. नाउ आवर न्यू दूसरा जो हमारा काम है वो क्या है? वर्ड्स मीनिंग. वो कौन सा लेसन है? अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, हमारी न्यू पोएम स्टार्ट हो रही है जिसका नाम क्या है? माई कैट.
आप सबसे पहले इसका टाइटल पेज बनाएंगे माई कैट का, फिर उसके बाद आप एक कॉलम बनाएंगे, क्योंकि कोई भी लेसन टीचर जब आपको स्टार्ट करती है तो उसकी वर्ड्स और मीनिंग आपको करवाती हैं। तो यहाँ पे टीचर ने आपको 1 to 4 वर्ड दिए हुए हैं, इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग्स भी उनकी। नंबर 1 कैच, कैच की मीनिंग क्या है, होल्ड, और होल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है। नंबर 2 फर, फर किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको पोएम में बताया था, सॉफ्ट थिक हेयर, यानी बिल्ली के जो नर्म मुलायम बाल होते हैं उनको हम कहते हैं फर। हंट कहते हैं टू चेस, यानी शिकार, जानवर का शिकार करना। नंबर 4 स्मार्टर, स्मार्टर की मीनिंग है मोर इंटेलिजेंट, यानी बहुत होशियार। स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने आपको उर्दू मीनिंग दी है ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दी है, लेकिन जब आप कॉपी डाउन करेंगे तो आप उर्दू की मीनिंग नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ इंग्लिश की मीनिंग को यहाँ पर कॉपी डाउन करेंगे। ओके, नाउ इसी चैप्टर पोएम का सेकेंड वर्क हमारा क्या है, फिल इन द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर से कहते हैं जो लेटर मिस होते हैं उनको हमने फिल किया हुआ है शीट में, लेकिन जब आप, आई होप जब स्कूल शुरू होंगे मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी बोर्ड पर, तो फिर मैं आपको बताऊंगी मिसिंग लेटर को किस तरीके से हम फिल करेंगे। पहला वर्ड यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट, एस ओ, और टीचर ने किसको फिल किया है, एफ लगा के सॉफ्ट की स्पेलिंग को कम्प्लीट किया है। नंबर 2 पी एल, ए टीचर ने यहाँ पर फिल करके किसको कम्प्लीट किया वर्ड को, प्ले, पी एल ए वाई, प्ले। नंबर 3 एच, टीचर ने यू को फिल करके कौन सा वर्ड कंप्लीट किया, एच यू एन टी, हंट। ओके डियर स्टूडेंट, ये तो आपका इंग्लिश लिटरेचर का काम था, आई होप आप सबने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोबारा से एक दफ़ा। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।